नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। वोटिंग की ये तस्वीर राजस्थान से सामने आई है। राजस्थान के 80 प्लस उम्र के वोटर या फिर ऐसे मतदाता जो चलने फिरने में असमर्थ हैं और 25 नवंबर को पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते हैं, उनके लिए पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की गई है। ये सुविधा जयपुर में मंगलवार से शुरू हुई। पोलिंग पार्टियां सुबह 8 बजे वोटिंग के लिए रवाना हुई। पुलिस सुरक्षा के बीच मतदान दल बुजुर्ग और दिव्यांगों के घर तक पहुंचकर वोट डलवा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। मतदाताओं से बैलेट पेपर मत पेटी में मत डलवाए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनावी शंखनाद के बाद मंगलवार यानी कि आज से मतदान का पहला चरण शुरू हो गया है। राजस्थान में 62,927 मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया। 80 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट के जरिए घर जाकर मतदान करवाए जाएंगे। इसका पहला चरण 14 से 19 नवंबर तक चलेगा और दूसरा चरण 20 से 21 नवंबर तक होगा। अगर इन दोनों चरणों में वोटर घर पर नहीं मिलता है तो उसका वोट निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने पहली बार घर से मतदान का विकल्प दिया है। इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है, लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए है। जो शख्स घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं उनके लिए वोट फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ताकि मतदान से कोई व्यक्ति वंचित ना हो। इस पहल के बाद पहली बार घर पर ही मतदान करने वाले बुजुर्ग और दिव्यांगों ने खुशी जाहिर की है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।